वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ नॉट टू दिस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो गाइस, आज की रेसिपी है, आज हम बनाएंगे कच्चे खोबरे की खीर। सो आज है ख्वाजा गरीब नवाज की छट्टी, तो आज हम बनाएंगे कच्चे खोबरे की खीर। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। सो अभी हमने लेना है काजू, बादाम, शक्कर और यह है दूध और यह घी। और ये हमें लेना है कच्चा खोबरा, और जो उसके ऊपर का पार्ट होता है वो हमें निकाल देना है। और गाइज, ये जो कच्चा खोबरा है हमें इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। हमें इसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर दिया, ये इस तरीके का वाइट कलर का लुक आया है। और आप भी जो ऊपर का पार्ट, ब्लैक कलर का पार्ट आप नहीं निकालेंगे तो जो खीर का जो लुक है वो अच्छा नहीं रहेगा, ब्लैक खीर दिखेगी, तो इसलिए उसका लुक जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पर हमने काजू है, बादाम है, हमने उसको कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने छोटी सी लौंग ली है, और यहाँ पर एक चम्मच हमने लिया है अरारोट का आटा। तो ये सब जो हमारे मटेरियल है इस रेसिपी में लगेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने ले लिया है घी, घी हमने इसको मेल्ट कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे दो लौंग जो मैंने आपको बताया था हमें इसके अंदर ऐड करना है। फिर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे यानी कि काजू बादाम, हम इसको कट करके इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क, हमें इसे एकदम अच्छे से फ्राई करना है। फिर हमें इसके अंदर ऐड करना है मिल्क। सो गाइस, बहुत ही अच्छी खीर है, आप प्लीज़ फर्स्ट टाइम अपने घर पे ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। और गाइस, हमें एक बाउल ले लेना है। बाउल के बाद हमें जो हमने आरा रोट लिया था, वाटर और आरा रोट को एकदम मिक्स कर देंगे। फिर हम जो इस खीर में ना हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो गाइस, आपने साबूदाना और चावल की खीर जो है वो खाई होगी, तो फर्स्ट टाइम ये ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं कुछ व्लॉगिंग भी शेयर करूँ, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगे। सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट एंड शेयर। देखिए गाइस, हमें इसको बॉईल करना है, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने कच्चा खोबरा मिक्सर में ग्राइंड करके रखा था, तो वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके बाद हमें 10 मिनट्स तक इसको अच्छे से बॉईल करना है, तभी इसका जो खीर का टेस्ट है बहुत ही अच्छा होएगा। देखिए, और जो हमने मैदे का जो लिया था पेस्ट, वो हमें इस खीर के अंदर ऐड कर देना है। सो गाइस, आप सोचे होंगे हम आरा रोट का पेस्ट क्यों डालेंगे, क्योंकि हम इस खीर में आरा रोट का पेस्ट डालेंगे तो ये बहुत ही थिक हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। इसलिए मैं कह रही हूँ फर्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो आप ट्राई करिएगा घर पर, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड शेयर। टिल देन, बाय बाय।